नमस्कार, मैं अरविंद ओता। हर एक इंसान लंबी आयु चाहता है कि वह स्वस्थ रहे, लेकिन हम आज बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जिसे समस्या नहीं बीमारी रोग कहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि समस्या कहना ही ज़्यादा उचित है, लेकिन समस्या इसकी गंभीरता को कम कर देता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं बात कर रहा हूँ डिप्रेशन की, एक ऐसी मनोस्थिति जिसमें नकारात्मकता इतनी हावी हो जाती है कि कोई व्यक्ति जीवन का आनंद नहीं ले पाता, या आत्महत्या का विचार या आत्महत्या जैसे कठोर कदम भी उठा लेते हैं। इसके बारे में जागरूकता दूसरे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ज्यादा तो है, लेकिन डिप्रेशन का डिनायल विकट स्थिति उत्पन्न कर रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2640 लाख लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। इस नंबर से इसकी भयावहता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके नंबर से आप ये समझ सकते हैं कि कितना भयावह स्थिति है। तो आइए बात करते हैं डिप्रेशन के सिम्टम, कॉजेज और ट्रीटमेंट के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, तथा इस वीडियो में बताए गए तथ्य के हिसाब से सेल्फ डायग्नोसिस ना करें और मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक की सलाह लिए बिना किसी नतीजे पर ना पहुँचे। हर कोई कभी न कभी उदास या दुखी महसूस करता है, लेकिन ये आमतौर पर कुछ समय के लिए होगा। डिप्रेशन या अवसाद सामान्य उदासी से अलग है और यह गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है जो हमारे दैनिक जीवनचर्या जैसे हमारा खान पान, सोने के पैटर्न को, सोचने तथा समस्या समाधान करने की एबिलिटी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, चाहे वह किसी भी उम्र, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी आयु वर्ग, किसी भी संस्कृति के हो। अवसाद के या डिप्रेशन के दो सामान्य रूप हैं, जिसे मेजर डिप्रेशन या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। मेजर डिप्रेशन, जिसमें कम से कम 2 सप्ताह या उससे ज़्यादा समय तक डिप्रेशन का लक्षण रहता है, और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में डिप्रेशन के कम गंभीर लक्षण होते हैं, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक रहता है, 2 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक उसका लक्षण रह सकता है। अवसाद या डिप्रेशन के और भी कई प्रकार हैं, जैसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, पेरिनेटल डिप्रेशन और साइकोटिक डिप्रेशन। सभी के लक्षण में भिन्नता होती है और साथ ही साथ लक्षण अलग अलग अवधि के लिए हो सकता है। लेकिन अगर हम डिप्रेशन के सामान्य लक्षणों की बात करें तो खालीपन, उदासी, निराशा, क्रोध, एंजाइटी या चिंता, इरिटेशन, बेचैनी महसूस करना, हॉबीज में भी मन ना लगना, ज़्यादा नींद या नींद नहीं आना, सेक्स में इंटरेस्ट कम हो जाना, ड्रग या अल्कोहल लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाना, इनके कुछ मुख्य लक्षण में से है। इस सभी समस्याओं के साथ साथ कुछ और समस्याएं हैं जो उत्पन्न हो सकती है, जैसे थकान होना, सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, जॉइंट्स में पेन, मसल्स पेन, पाचन संबंधी समस्याएं, ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होना, और गंभीर परिस्थिति में आत्महत्या के विचार भी मन में उत्पन्न हो सकते हैं। डिप्रेशन के कुछ कॉजेज कारकों में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन में बदलाव, व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थिति और जीन्स की बहुत अहम भूमिका होती है। जटिल सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक कारक डिप्रेशन या अवसाद विकसित कर सकता है। जो लोग प्रतिकूल जीवन की घटनाओं जैसे बेरोजगारी, शोक, मनोवैज्ञानिक आघात से गुजरे हैं, उसमें अवसाद विकसित होने की अधिक संभावना होती है। अगर इसके उपचार की बात करें तो डिप्रेशन के लिए बहुत ही प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं,
मुख्यतया उपचार के लिए साइकोथेरेपी और दवाओं का प्रयोग होता है। विभिन्न प्रकार की साइकोथेरेपी जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी का प्रयोग होता है। बहुत सारी दवाएं भी उपलब्ध है जैसे SSRI, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, और परिस्थितियों के हिसाब से किसी एक या दोनों विधि का प्रयोग किया जाता है। डिप्रेशन के लिए प्रभावी उपचार उपलब्ध तो हैं, लेकिन सही समय पर मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक तक पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर स्थितियों में होता यह है कि हम लक्षणों को गंभीरता से नहीं लेते या मेंटल हेल्थ संबंधी टैबूज या स्टिग्मा हमें रोकती है और हम खुद को या अपने प्रियजनों को मनोचिकित्सक से दूर रखते हैं। हमें यह समझना होगा कि मनोचिकित्सक से मिलना भी उतना ही सामान्य है जितना किसी अन्य डॉक्टर से। अपने समाज में व्याप्त मानसिक स्वास्थ्य संबंधी स्टिग्मा और टैबूज आज ही खत्म करें, और यह आप ही कर सकते हैं। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता की पहल करें। अपना और अपनों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नमस्कार।